नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवानंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवानंद सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रीवियस दो लेक्चर से हम यूनिट डिजिट के न्यूमेरिकल्स लेके डिस्कस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड आज का अंतिम और लास्ट वीडियो होगा। दोस्तों, यहाँ पे भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और यूनिट डिजिट उसके जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे दोस्तों मेंशन है, एक क्वेश्चन नंबर एक है हमारा आज का, यहाँ पे मेंशन है 24 टू रेज टू पावर 78 इंटू 89 टू रेज टू पावर 91। इसका हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इतने का यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इतने का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करके दोनों के यूनिट डिजिट का आपस में जो मल्टीप्लीकेशन करने पे जो संख्या आएगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें 24 रेज टू पावर 78 है, यहाँ पे अगर हमें इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है तो पहले अगर हम देखते हैं कि जो बेस वाली संख्या है उसका यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों, यहाँ पे यूनिट डिजिट दोस्तों 4 है, तो 4 के केस में हम क्या करते हैं कि उसका पावर इवन और ऑड चेक करते हैं। दोस्तों, अगर उसका पावर इवन होगा, अगर इसका पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, इस केस में 9 है दोस्तों लास्ट में, 9 के केस में भी इवन और ऑड ही चेक करते हैं। अगर इवन हो जाएगा पावर तब क्या होगा यूनिट डिजिट, अगर इवन होता है तो पावर होता है 1 और अगर ऑड हो जाएगा तो हो जाएगा 9। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे ऑड है और यहां पे इवन है, तो इस केस में जब इवन पावर होता है दोस्तों, इवन है पावर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 9 के केस में क्या होता है, अगर ऑड पावर होता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, 9 आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 6 × 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54, और 54 में यूनिट डिजिट कितना दोस्तों, 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लेते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। ओके दोस्तों, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने पहले क्या है, बीच में ऑपरेटर क्या है दोस्तों, माइनस है, तो पहले हम अलग अलग इन दोनों का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालेंगे, बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो 7 रेज टू पावर 95 है और इधर 3 रेज टू पावर 58 है। तो 7 के केस में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या कोई भी अगर बेस में है, अगर उसका यूनिट डिजिट 7 है और संख्या पावर फॉर्म में, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पावर होता है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, जो पावर है 95 डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से हो जाएगा 4 × 8, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 = 12, यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 3। यही जो रिमाइंडर होता है दोस्तों, इस 7 की पावर बन जाता है, मतलब ये हो जाएगा 7 की पावर 3। दोस्तों 7 की पावर 3 हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, इंटू 7 अगर करेंगे तो हो जाएगा 7 × 9 = 63, कैरी 6 हो जाएगा दोस्तों, 7 × 4 = 28, 28 × 6 = 34, ये हो जाता है दोस्तों 343। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों, 3, तो यहां पे क्या होगा यूनिट डिजिट का, 3 आ जाएगा दोस्तों, यहां पे बीच में माइनस का सिंबल लग जाएगा। अब दोस्तों यहां 3 रेज टू पावर 58 है, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में भी हम पावर में 4 से पहले डिवाइड कर लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 58 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो यहां पे 4 एकम हो जाएगा 4, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 18 हो गया, 4 × 4 यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, यहां पे आ गया 2। अब ये जो 2 आता है, यही 2 किसका, इसके पावर के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 3 है यूनिट डिजिट में, 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट है दोस्तों 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब बताइए दोस्तों क्या आएगा, 3 - 9 दोस्तों, अगर यहां से ध्यान दिए, 7 रेज टू पावर जो 95 है,
-3 raised to power 58, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा इससे, क्योंकि 7 की पावर 95 है, ये 3 की पावर 58 है, तो जाहिर सी बात ये बड़ा होगा, तो यहाँ पे भी कोई संख्या होगी, जाहिर सी बात है ये यूनिट डिजिट है ना इसका, तो यहाँ पे भी कोई संख्या, मतलब इसका कैरी एक इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 13 दोस्तों, और 13 -9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे क्या है 3 -9, यहाँ पे माइनस के साथ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ माइनस सिंबल नहीं आया, क्योंकि ये 3 है, यूनिट डिजिट है ना, ये भी यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट मतलब इसके पहले भी संख्या है, यहां से इसके पास एक कैरी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 13, अब 13 -9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, और ये तो आप समझते हो, प्रीवियस वीडियो में इस तरह से हमने और भी सारे न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं। अगर पावर फॉर्म में होती है और 7 और 3 है, इन दोनों केस में क्या हो जाता है, 2, 3, 7 और 8 अगर यूनिट डिजिट होता है, तो उसके पावर को हमें पहले 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और जो रिमाइंडर आता है उसके यूनिट डिजिट का पावर बना के वहां से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका पावर कर दिया 7 का पावर, यहाँ पे इसका 3 का पावर कर दिया, जो रिमाइंडर आया यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, 7 की पावर 3 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया तो 3 की पावर 2 हो गया। ओके, हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ओके दोस्तों, ये आज का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल, 287 की रेज टू पावर 5,62,581, 5,62,581, इसका पावर है, और इसका हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो बेस वाली संख्या क्या है दोस्तों, 287 है, 287 में जो बेस वाली संख्या है उसका यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों, 7 है। तो अगर उसका यूनिट डिजिट 7 होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर पावर फॉर्म में है संख्या, तो क्या करते हैं, उसके पावर को पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर आता है यूनिट डिजिट की पावर में लगा के कैलकुलेट करते हैं, जो संख्या आ जाती है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों 5,62,581, इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 * 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 16 हो गया, तो 4 * 4 = 16 हो गया, कट गया, यहाँ पे 2 आया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 यहाँ आएगा, 4 * 6 = 24 हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से 8 आएगा, 4 * 4 = 16 हो गया यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, हो जाएगा 4 * 5 = 20, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आया, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 आने का मतलब क्या है, ये 7 की रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, ये इसकी पावर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो दोस्तों, 7। ओके, क्या करना था, इसमें 4 से भाग देना था, जो रिमाइंडर आता उसकी यूनिट संख्या, जो बेस वाली संख्या है उसका जो यूनिट डिजिट है उसके उसका पावर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर, तो 7 raised to power 1 क्या हो गया, मतलब 7 का 1 बार गुणा 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ओके दोस्तों, ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है आज का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट क्या है, संख्या दी हुई पावर फॉर्म में, बीच में ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले अलग अलग इसका 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 इन तीनों जो संख्या है पावर फॉर्म में दी हुई है, पहले इनका अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना और यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दोस्तों इस तरह के केस में हम पहले क्या करते हैं कि पहले देखते हैं जो बेस वाली संख्या है उसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखा हमने इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 के केस में क्या करते हैं कि पावर को पहले देखते हैं, अगर उसका पावर इवन हो जाए, अगर उसका जो पावर है इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है दोस्तों, 6 हो जाता है। अगर उसका पावर ऑड हो जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो गया। तो देखने से हमें क्या समझ में आएगा, 1797 अगर हम इसको देखें तो ये एक ऑड संख्या है, एक विषम संख्या है, ये 2 से कटेगी नहीं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये क्या है, एक है, ये ऑड है दोस्तों, ये ऑड है,
इसकी वजह से ऑड होने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट एज इट इज जो है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर बेस वाली संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, अगर उसका पावर ऑड है तो हमेशा क्या हो जाती है, यूनिट डिजिट 4 हो जाती है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे 615 की रेस्ट पावर 316 है। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर बेस वाली संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 होता है, उसका कितना भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ऑलवेज 5 होता है, हमेशा यहाँ पे 5 आ जाएगा। किसका किसका, 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट हो और संख्या पावर फॉर्म में हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही होगा जो उसका यूनिट डिजिट होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ बताइए 341 raised to power 476 है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं देखना है हमें, सीधा 1 है, इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट है, अगर वो संख्या पावर फॉर्म में है, उसके रेस टू पावर है कुछ, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही हो जाएगा अगर वो 1 है यूनिट डिजिट। अब इसको आपस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ गुणे 1 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20। अब 20 में यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 0 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस ये किसका यूनिट डिजिट है, इसको पूरा कैलकुलेट अगर हम करते तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ अभी। ओके दोस्तों, ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल है आज का और ये हमारा अंतिम होगा दोस्तों। हमें इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या है, 7 raised to power 295, यहाँ पे 3 raised to power 158, यहाँ पे 341 raised to power 470, बीच में ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले क्या करेंगे, इनका हम अलग अलग यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 7 raised to power 295 है, तो 7 अगर यूनिट डिजिट होता है, अगर संख्या पावर फॉर्म में है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 295 divided by 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, यहाँ पे आ गया दोस्तों 3 रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे हो जाएगा 7 raised to power 3, अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 raised to power 3 इसको कैलकुलेट करेंगे 7 into 7 into 7, ये हो जाता है 343 दोस्तों, 343। कहने का मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देते हैं 3, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं, इस केस में यहाँ पे 3 है यूनिट डिजिट, इस केस में भी हमको 4 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 158 divided by 4, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 3 15 3 आ गया, यहाँ 8 आ जाएगा, 4 9 36 11 हो गया, 4 9 36, यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया 3 की पावर 2 दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाता है दोस्तों 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया था, इसका यूनिट डिजिट 9 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, अब 341 है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 341 है, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है दोस्तों, कितना भी पावर रहने दीजिए, अगर 1 रहता है तो 1 ही आ जाता है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। अब इन आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27 और गुणे 1 कर देंगे, 27 हो जाएगा। तो 27 में यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों, 7, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, कुछ नहीं करना था, 7 है यहाँ पे, 3 है, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, उसके रिमाइंडर को पावर, उस संख्या का जो यूनिट डिजिट उसका पावर लिख देंगे, उसका पावर लिख देंगे, सेम इसमें भी वैसे करना था। और इसके बाद यहां से इसका यूनिट डिजिट आ गया दोस्तों 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 9 आ जाएगा, इसको 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल जब कैलकुलेट करेंगे 27 आ जाएगा, और 27 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 7, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। तो ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही,
उम्मीद करता हूं यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो प्लीज हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट्स में हमको प्रॉब्लम आप भेज सकते हैं, वहां से भी हम आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।